मैंने यहाँ पे अपना सर्वर ऑन कर रखा है, MySQL वगैरह। तो हम आज काफ़ी दिन से छूटा हुआ था हमारा वैलिडेशन का काम, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको कर लूँ अभी, बाकी काम फिर देखेंगे लेटर ऑन। तो मैं मैसेज सॉरी एड स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके रन करूँगा। जैसे ही मैंने रन किया तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होता है, और जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो कोई वैलिडेशन नहीं करेगा और ये 2 में एरर आएगा। इसमें अगर मैं कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, तो जैसे सबमिट मारूँगा डेटाबेस में डेटा ब्लैंक डेटा सेव हो जाएगा। और डेटाबेस डिज़ाइन करते समय हमने यदि किसी को यूनिक वगैरह बना रखा था तो एरर आएगा बैकएंड से, और कुछ नहीं आएगा जो है। तो सेव करने से सेव पे जैसे ही हम क्लिक करें, यदि नेम रिक्वायर्ड है तो मैसेज आनी चाहिए रिक्वायर्ड का। चलिए मैं वैलिडेशन करता हूँ। मैं सोच रहा था रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल इसमें करूँ, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी डेवलप हुई नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह आप नहीं समझते और समय की भी काफ़ी अभाव है, तो मैं नॉर्मल तरीके से सिर्फ एम्प्टी को भी चेक करता हूँ। लेटर ऑन किसी और प्रोजेक्ट को हम यदि करते हैं तो उसमें मैं रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए वैलिडेशन का काम करते हैं अब हम। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा लिसनर में, ये है स्टूडेंट लिसनर, और यहाँ पे सेव मेथड कहाँ पे है, ये है सेव मेथड। कंट्रोल के बाद माउस यहाँ पे लाऊंगा तो ओपन डिक्लेयर आएगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये आएगा। अब मैंने यहाँ पे बना रखा था इज वैलिड मेथड, तो मैं अभी तो इन सब को सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश पे दबाऊँगा तो ये कमेंट हो जाएगा, और इसको भी मैं पूरा कमेंट करूँगा अभी, पूरा कमेंट यहाँ तक, और बस पूरा कमेंट हो गया। यदि ये वैलिड मेथड, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा डन, DONE डन। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा सेव पे, तो यहाँ पे डन प्रिंट हो रहा है। तो मैं वैलिड मेथड पे रिटर्न ट्रू कर दिया था उस समय पे, तो मैं वैलिडेट मेथड को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो आ रहा है। 1 मिनट, दरवाज़ा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न ट्रू है, इसलिए जो है यहाँ पे ये डन रिटर्न किया। तो रिटर्न ट्रू को मैं अभी ऐसे ही छोड़ता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल नॉर्मल तरीके से वैलिडेशन करूँगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैलिडेशन नहीं करूँगा मैं, परंतु वैलिडेशन तो जो है वेबसाइट्स वगैरह पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह रेगुलर एक्सप्रेशन से किया जाता है। यहाँ मैं बहुत सिंपल नॉर्मल करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ी आए। सिंपल इफ एल्स में लगाऊंगा। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट फॉर्म करूँगा। ये ऐड स्टूडेंट कौन सा है मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये वाला ऐड स्टूडेंट है। इसी ऐड स्टूडेंट क्लास के अंदर तो सारे कंट्रोल्स वगैरह हैं ना, तो उन्हीं को मैं वैलिडेट करने वाला हूँ। मैं आऊँगा सबसे नीचे, यहाँ पे ये है, कंट्रोल एंड दबाया, आया नीचे, डॉट नेम डॉट गेट टेक्स्ट हमने किया, और फिर डॉट इक्वल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डॉट EQ इक्वल्स, और यहाँ पे पास करता हूँ मैं एम्प्टी स्ट्रिंग। यदि ये एम्प्टी हो तो क्या करें, तो यहाँ पे मैसेज MESS यूटिलिटी वाला मैसेज मैं करूँगा, मैसेज डॉट ERR एरर मैसेज में दे देंगे प्लीज इंटर नेम, टाइटल में दे देंगे एरर। इतना करने के बाद हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स।
जैसे ही ये इक्वल जो है आएगा यहाँ पे एम्प्टी, वैसे ही मैसेज आएगा और रिटर्न कर जाएगा फाल्स और आगे कोड चलेगा ही नहीं। रिटर्न जैसे ही फाल्स होगा तो यहाँ पे वैलिडेट मेथड फाल्स रिटर्न करेगा। जैसे ही यहाँ पे फाल्स आ जाएगा तो इफ में जब फाल्स आते हैं तो आप जानते हैं कि इफ ब्लॉक नहीं चलता, तो ये डन प्रिंट नहीं होगा और बस कोड खत्म, सेव मेथड का काम खत्म हो जाएगा। मैं रन करता हूँ, आप देखना। देखो अभी इस पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, आ रहा है इंटर नेम, इंटर नेम आ रहा है, प्लीज इंटर नेम। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डन रिटर्न करेगा। लेकिन मैं एक काम और करूँगा यहाँ पे कि स्पेस दे दूँगा सिर्फ, और फिर सेव पे क्लिक किया, फिर भी डन आ रहा है। तो हमने वाइट स्पेस जैसे ही दिया तो क्या हुआ, ये वाला डन प्रिंट हो रहा था। तो जैसे ही हमने प्रिंट किया, सॉरी डन प्रिंट क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ जैसे ही हमने वाइट स्पेस दिया तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल को चेक करने के पहले डॉट ट्रिम लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, डॉट ट्रिम। पहले तो ट्रिम करो जी, वाइट स्पेसेस से तो गायब करो और फिर इक्वल को चेक करो। तो ऐसे करेंगे तो ये प्रॉपर काम हमारा करेगा। स्पेसेस में दे दिया वाइट स्पेसेस, अब मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्लीज एंटर नेम बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखो, जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे किया ऐसे, तो यहाँ पे फोकस आ जाना चाहिए हमारा। तो फोकस आने के लिए हम क्या करेंगे, ये छोटा सा कोड है यहाँ पे, यहाँ पे नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस कर देंगे। अब जैसे ही रिक्वेस्ट फोकस करेंगे तो आप देखो क्या होता है। ये देखो आप जैसे किया, यहाँ पे फोकस अपने आप आ गया। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आकर के पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इफ नेम कर दूंगा, फादर नेम के लिए प्लीज इंटर नेम के जगह पे फादर नेम कर दूंगा। और फिर ये इफ नेम को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आकर के ऐसे भी मैं कर दूंगा और फिर प्रोग्राम में रन करूंगा। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर देता हूँ, फिर इस पे क्लिक किया तो फादर नेम मांग रहा है। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये मोबाइल 1 2 और इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है, उन सभी के लिए एक ही तरह का कोड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं कॉपी पेस्ट मार दूँ, इसी तरीके से सारा कॉपी पेस्ट मारूँ यहाँ पे। और दूसरा तरीका ये है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक फंक्शन बनाऊं। तो फंक्शन कैसे बनाऊंगा, इस तरह से मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह से। और यहाँ पे लिख देता हूँ बूलियन, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह से मैं कोड लिखूं और यहाँ पे मैं पास कर दूं टेक्स्ट बॉक्स, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे टेक्स्ट फील्ड पास करना चाहिए मुझे। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से मैं पास करूं। बहुत अच्छा होता कि हम इसका मेथड बना लेते और एक नया क्लास, सॉरी मतलब हम क्या करते कि हम एक नया क्लास बनाते और उसमें ये मेथड बना लेते और सारा मेथड सिर्फ यहाँ कॉल कर देते। ऐसे भी किया जा सकता था, लेकिन मैं नई नया क्लास बना रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं।
इतनी चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो नया क्लास भी बना करके आप कर लेंगे, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता आप उस। अब आप देखो मुझे क्या करना है, इस कोड को यहाँ से डिलीट मारता हूँ और फिर आऊँगा ऊपर, इस कोड को यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ और आता हूँ यहाँ पे नीचे ऐसे, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आ रहा है तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से कॉपी करूँगा, ऐसे कर दूँगा, और इसी टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा इस तरह से। अब एक प्रॉब्लम आएगा आपको, वो प्रॉब्लम मैं अभी बता देता हूँ कि यदि आप इसको नया क्लास बना करके इस मेथड को कॉल करके वैलिडेशन करते हो आप, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे या तो पास कर दोगे आप इधर ही पैरामीटर के थ्रू इस स्टूडेंट को, या पास आप नहीं करते तो यहाँ पे नल डाल दो आप, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे केस में मैं सिंगल इसी में कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फाल्स, और यहाँ पे रिटर्न DRUI ट्रू, काम हो गई हमारी। अब रही बातें मैसेजिंग की, हमें मैसेज में क्या देना है, तो इसी के जगह में हम क्या कर देंगे, मैसेज MESS मैसेज AG मैसेज कॉमा TITLE, लेकिन ये होगा क्या, स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग इस तरह से हम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इस पे कॉल करना है सिर्फ मेथड, इस तरह से। अब ये तो रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, तो हमें क्या करना है, इफ लिखना है सिर्फ यहाँ पे, इफ इस तरह से, टेक्स्ट बॉक्स के जगह पे हम स्टूडेंट डाल देंगे यहाँ पे, एड स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट नेम टेक्स्ट फील्ड, नेम डाल दिए यहाँ पे। अब मैसेज के जगह पे हम क्या डाल देंगे, इंटर नेम, और टाइटल के जगह पे क्या डाल देंगे, ERROR एरर, अगर यह है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न रिटर्न नॉट कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स वैलिडेट, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी में बन, टेक्स्ट बॉक्स ये है ना EMPTI PTY, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नाम से मैं बनाता हूँ फंक्शन, ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है कि हम एम्प्टी को चेक कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स यदि एम्प्टी हो तो क्या कर दो, रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, फॉल्स, और हम यहाँ पे इक्वल्स एम्प्टी को चेक कर रहे हैं, यदि एम्प्टी है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, लेकिन यदि ये एम्प्टी नहीं होगा तो ये इफ कंडीशन में चल करके एल्स चलेगा और रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से कोड लिखनी है। अब आप जानते हो कि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो तो फॉल्स भी चलता है। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा, चेक करूँगा एफ नेम इस तरह से, इंटर एफ नेम फादर नेम, मैं रन करता हूँ और देखता हूँ ये मेरा लॉजिक सही से काम करता है या नहीं। मैं सेव पे क्लिक किया, एंटर नेम आया, एंटर नेम आया और डन आ गया, ऐसा आना तो नहीं चाहिए लेकिन डन आ रहा है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को कॉल किया, फिर
टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स गेट टेक्स्ट किया, ट्रिम किया, चेक किया, और यहाँ पे रिटर्न। मैं फिर से एक बार प्रोग्राम रन करके चेक करता हूँ, फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। सेव बटन पे क्लिक किया, इंटर नेम आ रहा है, फिर ओके पे क्लिक किया, फिर आ रहा है प्लीज इंटर नेम, प्लीज इंटर नेम, प्लीज इंटर नेम। तो ये 2 बार चल रहा है, प्लीज इंटर फादर नेम, कॉल हो रहा है ये मेथड। हमने क्या करा है, यहाँ पे एम्प्टी किया, यदि इक्वल है तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़े देर के लिए गायब कर देता हूँ इसको, लेकिन गायब कर दूंगा तो जो है एरर देने लगेगा, तो मैं गायब तो नहीं कर सकता इसको, इसको रहने देता हूँ ऊपर। मुझे एम्प्टी है, मुझे लॉजिक में गलत किया हूँ, यहाँ पे ही एम्प्टी है तो हमें ट्रू रिटर्न करना था, और यहाँ पे ही फॉल्स रिटर्न करना है हमें। अब प्रॉपर काम करेगा लॉजिक हमारा, और यहाँ पे जो मैंने एक गलती और करा है, इन वेरिएबल्स को मुझे यहाँ पे रिप्लेस करनी चाहिए ऐसे, और यहाँ पे TITLE टाइटल करनी चाहिए। यदि एम्प्टी है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, और एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब टेस्ट करते हैं हमारी लॉजिक काम करती है या नहीं। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, इंटर नेम आ रहा है, मैंने नेम फिल करा, फिर वो सेव पे क्लिक किया तो इंटर फादर नेम आ रहा है, फादर नेम जब एंटर किया हमने, और फिर सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे डन आ रहा है। तो हमारी लॉजिक अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है, हमें सभी टेक्स्ट बॉक्स के लिए इसी तरह का वैलिडेशन करना है, इस तरह का हम यही कर देंगे वैलिडेशन। तो मैं सभी को कॉपी पेस्ट करके सारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए वैलिडेशन करके फिर मैं रिज्यूम करता हूँ, क्योंकि कोड एक ही तरह का लिखना है तो मैं समय इसमें नहीं बिताना चाहता। तो आप देखिए, मैंने इस तरह से सभी टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करने का कोड मैंने लिख दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया। अब मैं आता हूँ, अब किसको वैलिडेट करना है, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम पहले। अब हमें वैलिडेट करना है इन कॉम्बो बॉक्स को, इनको पहले वैलिडेट करने से पहले हम मेल फीमेल का देखते हैं, जेंडर का, जेंडर वैलिडेट हमें कैसे करना है। आप देखो, एक ही जेंडर एक बार में सेलेक्ट होना चाहिए, तो हमें क्या करना है कि एड स्टूडेंट डॉट मेल, ML, मेल आ गया, मेल डॉट सिलेक्टेड। गेट सिलेक्शन, गेट सिलेक्टेड आइटम, मैं भूल रहा हूँ, मैं ऊपर आऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा, तो इज सिलेक्टेड मेथड है, तो यदि इज सिलेक्टेड है मतलब वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसको मैं करूँगा ऐसे पेस्ट, इज सिलेक्टेड, यदि इज सिलेक्टेड है तो ये ट्रू करेगा, और फिर मैं इसको करूँगा कॉपी और लगाऊंगा यहाँ पे, और इज सिलेक्टेड, और यहाँ पे कर दूंगा मैं फीमेल, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और यदि ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके अंदर आएगा कोड,
और फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके अंदर कोड आएगा। तो मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं करता हूँ नॉट, तो नॉट यदि हम लगाएंगे तो ये सिलेक्टेड यदि नहीं होगा और यहाँ पे नॉट होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और यहाँ पे भी मैं नॉट लगा देता हूँ और नीचे आता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे MESS मैस डॉट एरर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट जेंडर, और यहाँ पे लिख देता हूँ एरर। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स सेमीकोलन। लेकिन इतने इन सबको मैं कमेंट करूँगा इसलिए क्योंकि मुझे डायरेक्ट जेंडर के का वैलिडेशन चेक करनी है अभी, डायरेक्ट जेंडर का मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर कमेंट मैं नहीं करूँगा तो सबसे पहले मुझे इन सभी टेक्स्ट बॉक्स को फिल करना होगा। अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है, मैंने मेल पे क्लिक किया तो आ रहा है सिलेक्ट जेंडर, तो मैं मेल फीमेल सेलेक्ट किया तो ये देखो यहाँ पे आऊँगा सेलेक्ट जेंडर, मैंने तो सेलेक्ट किया लेकिन ये फिर भी कह रहा है सेलेक्ट करने को। इज सेलेक्टेड रिटर्न करेगा ट्रू और यहाँ पे हो जाएगा ट्रू का कोई कर देगा फॉल्स। ये उल्टा काम करता है इसीलिए ऐसा कर रही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, इस तरह से ही करना चाहिए मुझे। अब ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, मेल सेलेक्ट किया, सॉरी सॉरी मैंने गलत गलत कर दिया, एंड होना चाहिए, दोनों एक साथ हमें चेक करना है ना, दोनों एक साथ हमें चेक करना है तभी एक के कंडीशन में भी ट्रू होगा। तो अब देखो आप, अभी आ रहा है सेलेक्ट जेंडर, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अब जो है नहीं आएगा, ये देख लो आ रहा है, या फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर भी ये नहीं आएगा। लेकिन किसी यहाँ पे एंड इसलिए लिखना है क्योंकि यदि और के केस में क्या होता था, यदि ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स भी हो तो भी चलेगा, लेकिन यदि ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो भी ये चली जाएगा, इसलिए हमें दोनों एक साथ चेक करनी होगी। तो दोनों यदि सिलेक्टेड नहीं है, समझ रहे हो आप, सिलेक्टेड यदि सिलेक्ट होगा तो सिलेक्टेड ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या करना है, यदि मेल सिलेक्टेड नहीं है और यदि फीमेल भी सिलेक्टेड नहीं है तब मैसेज दे दो एरर। तो बस हम यही कोड लिखेंगे मेल फीमेल के लिए, हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं रन कर देता हूँ एक बार और आप देख लो, सिर्फ पे क्लिक किया, कह रहा है सेलेक्ट जेंडर, मैंने सेलेक्ट किया, अब इस पे क्लिक करूँगा तो कोई एरर का मैसेज नहीं हो, नीचे डन रिटर्न कर रहा है, डन प्रिंट कर रहा है। अब हमें इन कॉम्बो बॉक्स कोर्सेज के लिए करना है काम, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स के पास मैं आऊँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है सेशन की, डिलीट मार दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है डिलीट मार दो। कोर्सेज के पास आऊँगा मैं, कंट्रोल एस करूँगा, फाइंड फाइंड ये आ गया, और जस्ट इसके नीचे मैं क्या करूंगा, डॉट ऐड आइटम्स, और ऐड आइटम्स में मैं डबल कोट में, नहीं डबल कोट नहीं चलेगा लेकिन चल जाएगा, मैंने जेनेरिक तो बनाया नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, और फिर न्यू में क्या था, COU कोर्स बीन 00, यहाँ पे कोर्स के नेम में मैं देता हूँ सेलेक्ट COURS सेलेक्ट कोर्स,
इस तरह से। यहाँ पे जेनेरिक मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इसको हम चाहें तो जेनेरिक बना सकते हैं ऐसे। अब जेनेरिक आपके समझ से परे है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा जेनेरिक के केस में। जैसे ही मैं रन करूँगा कोड तो देखो क्या होता है। आ गया यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स, हमने टूस्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करा है, इसलिए सेलेक्ट कोर्स यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे ऐसे। और मैं कास्ट के भी केस में यही करूँगा, कैटेगरी के केस में। तो मैं आऊँगा ऊपर, कैटेगरी फाइंड, यहाँ पे कैटेगरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कैटेगरी ऐसे लिख दूंगा। अब मैं आऊंगा यहां पे, इफ यदि डॉट कैटेगरी कॉम्बो बॉक्स ये वाला है ना, डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स चेक करूंगा। देखिए सेलेक्टेड इंडेक्स है ना, सेलेक्टेड इंडेक्स डबल इक्वल टू 0 यदि है तो हमें क्या करनी है, हमें सीधा सा बोल देनी है भाई ये नहीं चलेगा, गड़बड़ कर रहे हो। इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट क्या कर देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी। रिक्वेस्ट फोकस ये कर देंगे हम कैटेगरी वाले केस में। सिलेक्टेड इंडेक्स 0 कब होगा ये बात आता है, अब ये बात समझने वाली है। तो सिलेक्टेड इंडेक्स 0 तब होगा जब हमने कोई भी, ये पहला है, ये है 0 इंडेक्स, ये है पहला इंडेक्स। फिर यहाँ पे आओ, ये 0 इंडेक्स, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स, मतलब ये वाला सिलेक्टेड है तो ये कहलाएगा 0 इंडेक्स। तो यदि 0 इंडेक्स सिलेक्टेड है तो कह दो सिलेक्ट करो कैटेगरी। जैसे मैं यदि आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तो देखो आप, मैंने कैटेगरी को प्रिंट मारा यहाँ पे, मैं जेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, कह रहा है सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे इंडेक्स आया 0। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, एंटर मारा, बोल रहा है डन, इंडेक्स आ गया 2। तो ये हम इंडेक्सिंग से चेक करते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स का एक जनरलाइज मेथड बनाया, कहाँ पे, सबसे नीचे यहाँ पे, तो इस तरह से आप इस कॉम्बो बॉक्स का भी आप बना सकते हैं। मैं नहीं बना रहा अभी कोर्स, तो आप बना सकते हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, दो ही ठो था इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट मारा। यहाँ पे कोर्स कर देता हूँ। अब इसके बाद एक और वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आता है हमारे पास, वैलिडेशन के लिए डेट टाइम बचता है। डेट टाइम का हम कैसे वैलिडेशन करेंगे, तो डेट टाइम के लिए हमें क्या करना है, आप देखो, पहले इन सबको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेस्टिंग करने में मुझे दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे चेक करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर, एड स्टूडेंट डॉट माई स्टूडेंट डॉट डी ओ टूथ की बैटरी लो हो गई। डेट ऑफ बर्थ को मैं चेक करता हूँ, डॉट गेट डेट, गेट डेट को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, अब देखना क्या होता है। प्रिंट करता हूँ मैं इसी को, यहाँ पे मैं सीधा प्रिंट करता हूँ तो ये बोल रहा है नल, लेकिन यदि डेट ऑफ बर्थ में कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ सिर्फ पे क्लिक तो यहाँ पे डेट आ रहा है डिटेल्स। बस हमें यही करनी है। इफ यदि इक्वल इक्वल नल है, नल
बस हमें यही काम फिर कर देनी है यहाँ पे। सेलेक्ट डी डेट ऑफ BIRTH, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन के लिए भी मैं यही काम करूंगा। DOA कर देंगे, DOA कर देंगे, डेट ऑफ, मुझे नहीं आती एडमिशन की स्पेलिंग इसलिए मैं DOA लिख दूंगा। जिसको समझना है वो समझे, ना समझेगा ना समझे वो। ये देखो आप, सेव पे क्लिक किया, बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट किया मैंने डेट ऑफ बर्थ, फिर सेव पे क्लिक किया, कह रहा है डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन पे मैं क्लिक किया, सेलेक्ट किया, अब प्रिंट हो जाएगा इधर, डन प्रिंट हो गया। देख लो, तो डेट ऑफ एडमिशन भी हमने कर लिया वैलिडेशन, इसकी भी हो गई वैलिडेशन। अब यहाँ पे ऐसे कर दूंगा मैं इसको, फिर आऊँगा नीचे। अब आप कह रहे हो कि मैं कमेंट करते जा रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूँ। अब एक चीज़ और देखो, दिखाऊंगा नहीं, सीधा मैं कोड लिख दूंगा, दिखाई देता हूँ, लेकिन क्या करें आप। हमें इस फोटो को भी वैलिडेट करना है, इस फोटो को भी वैलिडेट करना है, तो इसको कैसे वैलिडेट करेंगे? सिंपल सी बात है, कहाँ गया फोटो, ये देखो ये अपलोड इमेज है। हम क्या करते हैं, हम इस फोटो वाले वेरिएबल में, फोटो जब अपलोड हो जाता है तो फोटो वाले वेरिएबल में हम ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, लेकिन ये पहले इसमें नल वैल्यू रहता है, तो हम इसी को चेक करेंगे। अब देखो, बाय डिफॉल्ट मैंने फोटो में नल डाल रखा है, तो मैं यही चेक करूंगा अब नीचे वैलिडेशन में। सिंपल, फोटो इक्वल इक्वल नल, यदि ये नल है तो हम क्या करेंगे, यही कोड कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं, रिटर्न फॉल्स, सेलेक्ट पेज फोटो, बस हो गया काम। मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम, सेव पे क्लिक किया, बोल रहा है सेलेक्ट फोटो। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया फोटो इधर से, देख भाई कोई भी फोटो दिख जाए अभी मज़ा नहीं आएगा नहीं तो। ये देखो अब डन प्रिंट हो गया किनारे। तो इस तरह से हम इमेज को अपलोड करेंगे। लगभग सारे हो चुके हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। एक अपलोड बचा है, लेकिन मेरा काम करने का अभी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम, इन सभी को भी तो वैलिडेट करना है, तो इनको कैसे वैलिडेट करना है मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। जब हम इसको सिलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे फाइल कॉलन स्पेस आता है, हम सेलेक्ट जब करते हैं यहाँ पे और फोटो सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे फुल्ली पाथ आ जाता है। तो बस हमें यही लॉजिक लिखना है। ये देखो, आप इतने को कॉपी कर लो, कॉपी मारा मैं यहाँ पे, ये क्या है, 10 10 का मैं वैलिडेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे इफ लेबल है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एड स्टूडेंट डॉट L10 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट EQ इक्वल्स, और इक्वल के अंदर मैं क्या करता हूँ, ए डालता हूँ ऐसे। यदि ए फाइल फिर स्पेस फिर कॉलन है फिर उसके बाद स्पेस दिया हो, अगर इसके बराबर है इसका टेक्स्ट तो क्या कर दो, सिंपल सी बात है, एरर दे दो। इस तरह से एरर दे दो और यहाँ पे कर दो सेलेक्ट, ये 10 वाला है ना, TEN या 10th,
अपलोड 10th लिख देता हूँ, अपलोड 10th मैं यही लिखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखता। सीधा मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अपलोड 10th आ गया। फिर आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा 10th को, कर दूँगा ओपन ऐसे। ये देखिए, अब भैया 10th के बारे में बोल रहा है, क्यों भाई क्यों कह रहे हो? सॉरी, मैंने तो कैटेगरी सेलेक्ट किया है ना, मुझे 10th वाला ना सेलेक्ट करना चाहिए, दिमाग खराब हो गया। मैं ऐसे किया, अब सेव पे क्लिक करूँगा तो ये देखो डन का मैसेज आ गया, किनारे करूँगा ये देखो डन आ रहा है। तो आप इसी तरह से बाकी का अपलोडिंग कर सकते हो, मैं बाकी का काम अभी नहीं करूँगा, आप कर लेना, इतना अब आपको छोड़ता हूँ मैं आपके ऊपर। इसको मैंने कमेंट से पूरा ख़त्म। लो, इसको पूरा अनकमेंट मैंने किया, ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ये लो खत्म, स्पेस आ गया था बीच में, इसलिए ये ऐसा एक एक करके अनकमेंट हुआ। ये सारा मैं अनकमेंट कर दूंगा, ऐसे हो गया। अब हमारा सारा कोड ठीक हो गया। मैं डबल क्लिक करके इसको बड़ा करता हूँ, स्पेस को खत्म करूंगा इस तरह से। मैंने जो आज का कोड किया है वो कुछ ए कोड है, और उसके बाद ये वाला कोड है, ये वैलिडेशन का कोड है। इतना ही कोड है आज का, और बाकी ये सारे जो हैं इसका मैं टोटली एक बार पूरा वैल एक बार सबमिट करता हूँ मैं, उसके बाद में ये देखो सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा, कह रहा है नेम डाला, फिर से सेव पे क्लिक किया, फादर नेम फिल किया, सेव पे क्लिक किया, कह रहा है मदर नेम फिल किया, ईमेल ईमेल मैंने फिल किया, मोबाइल नंबर मैंने डाला, मैंने एक ही मोबाइल नंबर 1 खाली लिया है। एड्रेस कह रहा है तो मैं यहाँ के एड्रेस डालूँगा, डिस्ट्रिक्ट कह रहा है डिस्ट्रिक्ट डाल दूँगा, थोड़ा आगे पीछे शायद सीक्वेंस हुआ है, स्टेट का स्टेट मैंने डाला, कह रहा है जेंडर सेलेक्ट करो तो जेंडर, मैंने जो वैलिडेशन का यहाँ पे कोड ऊपर नीचे लिखा है वही का रिजल्ट आ रहा है। सेलेक्ट कैटेगरी कह रहा है ये, यहाँ पे 0 मैंने शायद प्रिंट कर रखा है इसलिए वो आ रहा है, कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कोर्स भी कह रहा है ये, कोर्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर से पे क्लिक किया तो कह रहा है डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर डेट ऑफ एडमिशन कह रहा है, डेट ऑफ एडमिशन मैं सेलेक्ट कर लिया, फिर फ़ोटो कह रहा है सेलेक्ट करने को, मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, फिर कह रहा है 10th का। 2 मिनट, ब्लूटूथ ख़त्म हो गया ना, 10th पे मैं गया, ये सेव पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, डन प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो इसी तरह से सारा कोड होगा, मैं क्या करूँगा ऐसे अनकमेंट करूँगा इन सबको इस तरह से, और यहाँ से इन सब को अनकमेंट कर दूँगा मैं इस तरह से। ये अनकमेंट हो चुके हैं पूरे, मैंने इंडेक्स कहीं प्रिंट किया है, ये देखो ये इंडेक्स प्रिंट किया था वही हो रहा था। तो मेरा सारा काम हो गया, मैं ऊपर से नीचे तक एक बार फाइल दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये है कोड, ये है कोड, ये है कोड,
ये है कोड पूरा, ये है। ये पूरा कोड है। चलिए मिलते हैं किसी और दिन। गुड नाइट। 40 मिनट लेकिन हो गए, क्या करें।